झाबुआ कलेक्टर सुश्री तन्वी हुड्डा की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों का विदाई समारोह गुरुवार को साय 4 बजे आयोजित किया गया। जिला पेंशन अधिकारी श्रीमती ममता चंगोर ने माह दिसंबर 2023 में विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारियों सेवानिवृत्त होने पर पुष्पमाला शाल व तुलसी का पौधा भेंट कर सम्मानित किया गया। साथ ही उनके स्वत्व से संबंधित आवश्यक दस्तावेज PPO GPO प्रदान किए गए। कलेक्टर ने अपने उद्बोधन में सेवानिवृत्त कर्मचारियों से कहा कि आपको प्राप्त PPO GPO आपके द्वारा जीवन भर की गई सेवा किसी भी विभागीय जांच अन्य कार्यवाही प्रचलित नहीं होने का एक प्रमाण है। झाबुआ से अल्बर्ट मंडोरिया की रिपोर्ट। नमस्कार, जैसा कि अभी आप सबने अपने बीच में बातचीत करके हमें अपनी अपने पूरे तजुर्बे के बारे में बताया तो बहुत ही अच्छा लगता है। हमें आप लोगों से सीखने को मिलता है और डेफिनेटली ये ऐसा पल है जब हम चाहते हैं कि हमारे परिवार भी हमारे साथ में आए और सम्मानपूर्वक हम जो है इसको करते हैं और काफ़ी पहले से चला जा रहा है। डेफिनेटली हमारी जितनी भी डिपार्टमेंट्स हैं वो भी इसमें सहयोग करते हैं और ये मतलब हम लोग मासिक रूप से इसको रखते हैं कार्यक्रम को और कोशिश यही रहती है कि सभी इसमें शामिल हों और कहीं ना कहीं अगर आपकी कोई भी दिक्कत आएगी तो जैसा बताया आप पेंशन कार्यालय में आके भी संपर्क कर सकते हैं। जनरली मैंने आज तक तो किसी की इस तरीके की कोई जानकारी नहीं मेरे को मिली है कि कोई प्रॉब्लम आती है क्योंकि तो काफ़ी टाइमली ही हम लोग इसको निराकृत करके आपका जो पेंशन है वो चालू भी करवा देते हैं बैंक के साथ मिल के। और अभी बहुत सारे टीचर्स हमारे बीच से रिटायर हुए हैं तो आप लोगों से अनुरोध रहेगा जैसा कि अजनान साहब बता रहे थे हमारे क्षेत्र में साक्षरता को लेके हमें कार्य करने की काफ़ी आवश्यकता है और हमारा ज़िला कहना नहीं चाहिए लेकिन पूरे मध्य प्रदेश में सबसे पिछड़ा हुआ है साक्षरता के मापदंड पे और इवन देश भर में भी काफ़ी न्यूनतम स्थिति है तो इसको लेके हम लोग काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। यदि आप भी कुछ स्वैच्छिक रूप से दिन में 1-2 घंटे अपने आसपास जहाँ भी आप रहते हैं जो बच्चे स्कूल के बाहर हैं एक तो उनको हम लोग स्कूल तक पहुँचाएं और दूसरा उनका जो शैक्षणिक स्तर है वो हम बढ़ाने में अगर अपना समय थोड़ा सा दे पाएं क्योंकि बाकी आपकी जो व्यस्तताएं हैं वो तो रहेंगी। यदि आपके पास समय आया है जब आप अपने परिवार को समय दें जरूर दें देना भी चाहिए परंतु सारा जो आपकी लाइफ टाइम का एक्सपीरियंस है यदि वो हम सोसाइटी की ओर समाज की ओर से बात करें तो डेफिनेटली अगर हम लोग दे पाएंगे तो हमारे ज़िले में उससे काफ़ी अच्छी जो लेवल है साक्षरता का वो हम लोग उसको उत्तीर्ण कर सकते हैं। तो कोशिश यही है कि मिलजुल के यदि हम लोग इसको बनाएं और एडल्ट एजुकेशन जो हम लोग नवभारत साक्षरता अभियान भी रहता है 18 वर्ष के ऊपर के काफ़ी लोग हैं जो लिखने पढ़ने में जिनको दिक्कत रहती है तो बेसिक उनके भी हम लोगों ने अक्षर साक्षी भी तैयार करे हुए हैं तो वही है कि आप लोगों के माध्यम से यदि हम लोग इसको आगे बढ़ा पाएंगे तो बिल्कुल हम इसको लेके आगे चलेंगे। आई थिंक आप इसके अंदर एक पहल कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा हमें कि आपने स्वयं से इस बात को रखा है ना साथ ही मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। आप लोग स्वस्थ रहिए खुश रहिए परिवार के साथ अच्छे से अपना समय व्यतीत करिए। धन्यवाद। आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।